हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश शॉर्ट एंड फ्रेंड्स। आज की क्लास हमारी ग्रामोलॉग्स विद पोजीशन पार्ट सेकंड है। ग्रामोलॉग्स विद पोजीशन हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 28 ग्रामोलॉग्स किए थे। उससे आगे अब स्टार्ट करते हैं। सो 29 इज इंस्ट्रक्शन टू, इसके आगे हमारा टू है, तो आउटलाइन जो है वो टच द लाइन होगी। पोजीशन जो है आउटलाइन की वो टच द लाइन होगी। लाइक इंस्ट्रक्शन, इन स्ट्रक, लास्टली शन। ओके, दिस इज आर शन हुक। ठीक है, हेड जो मैं आपको पार्ट वन में भी बता चुकी हेड के बारे में। सो ये देखना, यहाँ एक फुट है तो आउटलाइन अबो द लाइन होगी। हेड के लिए हम डी यूज करेंगे। ठीक है, अबो द लाइन हेड रीड होगा, टच द लाइन डू रीड होगा, और कट द लाइन डिफरेंट या डिफरेंस रीड होगा। ठीक है, 31 इज डॉक्टर। डॉक्टर की आउटलाइन के लिए आप अबो द लाइन बनाएंगे डी विद आर हुक। ठीक है, डी विद आर हुक अबो द लाइन। ठीक है, और सेम आउटलाइन अगर टच द लाइन होगी तो डियर रीड होगी डी विद आर हुक। ठीक है, और सेम आउटलाइन कट द लाइन ड्यूरिंग रीड होगी डी विद आर हुक कट द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिलीवर, डिलीवर्ड या डिलीवरी। तीनों में से अगर कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में आता है, ग्रामोलॉग्स में आता है ग्रामोलॉग्स, तो वो आउटलाइन हमारी टच द लाइन होगी। आउटलाइन शुड बी डी विद एल हुक डिलीवर। ठीक है, डी विद एल हुक। ओके, नेक्स्ट इज डिलीवरेंस, डी विद आर हुक नंबर टू है, आउटलाइन टच द लाइन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज, नंबर वन है तो आउटलाइन जो है वो अबो द लाइन रहेगी डी, एंड लास्टली वी हुक। ठीक है, अबो द लाइन एडवांटेज के लिए। नेक्स्ट नंबर थ्री डिफिकल्ट, जो आउटलाइन है सेम रहेगी बट कट द लाइन होगी। ठीक है, डी लास्टली एफ हुक। यहाँ वी हुक रीड कर रहे थे, यहाँ हम एफ हुक रीड करेंगे। ओके, मच, मच के लिए हमारा चे स्ट्रोक यूज होता है ग्रामोलॉग्स में। सो एक है अबो द लाइन चे, दो है विच के लिए टच द लाइन यूज करेंगे चे को ही। ठीक है, अबो द लाइन मच रीड होगा, कट टच द लाइन विच रीड होगा। ठीक है, चेयर के लिए नंबर टू टच द लाइन होगी आउटलाइन चे विद आर हुक, चे विद आर हुक। चेयर के लिए नंबर थ्री चे विद आर हुक कट द लाइन। ओके, एंड चेयर्ड के लिए ईडी है, रीजन बीइंग आउटलाइन हाफ लेंथ में हो जाएगी, अबो द लाइन सेम आउटलाइन होगी अबो द लाइन। ठीक है, बट ये आउटलाइन हमारी हाफ होगी लाइक दिस चे विद आर हुक। ठीक है, नेक्स्ट है चेयर्ड नंबर टू, क्योंकि फ्रेंड्स हाफ लेंथ कभी कट द लाइन नहीं बन सकता, सो ये या तो अबो द लाइन होगा या फिर टच द लाइन। टच द लाइन चे विद आर हुक इन हाफ लेंथ आपका चेयर्ड रीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज चाइल्ड। सो चाइल्ड के लिए चे विद एल हुक इन हाफ लेंथ अबो द लाइन। ठीक है, चे विद हाफ लेंथ विद एल हुक। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज अबो द लाइन होगा। ओके, सो ये आपकी आउटलाइन होगी लार्ज, जे बना देंगे हम अबो द लाइन। ठीक है, लार्जर जे विद आर हुक लार्जर रीड होगा, अबो द लाइन रहेगा। ठीक है, जे विद आर हुक अबो द लाइन लार्जर। लार्जली जे विद एल हुक लार्जली रीड होगा अबो द लाइन। सो ये हो गया आपका लार्जली। ठीक है, नेक्स्ट जनरल या जनरली, आउटलाइन नंबर टू पोजीशन है तो टच द लाइन रहेगी जे विद जे लास्टली एन हुक। ओके,
ये आपका हो गया जनरल या जनरली। नेक्स्ट जनरलाइजेशन नंबर टू, आउटलाइन शुड बी जे सर्कल एस एंड शन, ठीक है। सो जनरलाइजेशन में आप जे स्ट्रोक बनाते हुए डार्क जे सर्कल लगाएंगे, लास्टली शन हुक बना देंगे साथ में, ठीक है। टच द लाइन होगा, क्यों, पोजीशन दो नंबर पे है। नेक्स्ट टू जस्टिफिकेशन, पोजीशन नंबर टू जस्टिफिकेशन, आउटलाइन शुड बी जे एस और शन, ठीक है। ये आपका सर्कल एस एंड शन, इस ये वाले में और ये वाले में दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि जो इसमें हमने लगाया है वो एन हुक लगाते हुए सर्कल एस यूज़ किया है, एन एस विथ शन, और यहाँ हमने सिंपली एस यूज़ किया है और शन यूज़ किया है, ठीक है। रीज़न बीइंग हमारा सर्कल इस तरफ है और यहाँ लेफ्ट साइड हमारा सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट जेंटलमैन वन, वन क्यों है, अगर आप देखें तो यहाँ आपका जो नाउन है ये सिंगुलर है, ठीक है। जेंटलमैन ये आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर एक की बात की जाती है और एक से ज़्यादा वो प्लूरल हो जाते हैं, सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये प्लूरल है, एम ई एन प्लूरल, ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। इस तरीके से भी आपकी आउटलाइन एक के लिए अबोव द लाइन, पोजिशन दो के लिए टच द लाइन, ठीक है, एक से अधिक। सो फर्स्ट आउटलाइन होगी आपकी जेंटलमैन की, आउटलाइन शुड बी हाफ लेंथ जे विद एन हुक, जे एन हुक अबोव द लाइन जेंटलमैन, ठीक है। और सेम आउटलाइन टच द लाइन रहेगी, जे एन हुक टच द लाइन जेंटलमैन, सिंगुलर दिस इज प्लूरल, ओके। नेक्स्ट कैन एक है, वन अबोव द लाइन आउटलाइन होगी, के बना देंगे सिंपली। टू कम टच द लाइन रहेगी, के बना देंगे, के स्ट्रोक आपका, ठीक है, ये आपका के है। अबोव द लाइन कैन रीड होगा, टच द लाइन ग्रामलॉक्स कम रीड होगा, ओके। नेक्स्ट बिकॉज वन है, आउटलाइन जो आपकी है वो अबोव द लाइन रहेगी, के सर्कल एज बिकॉज, ओके। नंबर टू केयर, मैंने जिन पे नंबर डाल रखे हैं उनकी आउटलाइन अलग होगी, और अगर जिस किसी पे नंबर नहीं है, जैसे यहाँ नंबर नहीं है, तो आउटलाइन आपकी सेम रहेगी। फ़र्क कितना होगा, आउटलाइन अबो द लाइन, सेकंड में टच द लाइन, और थर्ड कोई वर्ड है तो कट द लाइन भी हो सकती है, सब पे नंबर डले हुए हैं, ठीक है। नंबर टू केयर, आउटलाइन शुड बी के विद आर हुक, नंबर टू है तो आउटलाइन जो है वो आपकी टच द लाइन रहेगी, ठीक है, के विद आर हुक, ओके। नेक्स्ट इज अकॉर्ड या अकॉर्डिंग, ग्रामलॉक्स अकॉर्ड एंड अकॉर्डिंग, नंबर वन है पोजीशन तो आउटलाइन आपकी अबो द लाइन रहेगी, सो ये आउटलाइन होगी आपकी के विद आर हुक अबो द लाइन, ठीक है, के विद आर हुक अबो द लाइन इन हाफ लेंथ अकॉर्ड, ओके। टू केयर्ड, सेम आउटलाइन रहेगी क्योंकि यहाँ मैंने नंबर नहीं डाला है, सो केयर की आउटलाइन जो थी वो टच द लाइन थी, यहाँ हाफ लेंथ में है तो हाफ लेंथ में टच द लाइन बनाएंगे नंबर टू पोजीशन, सो के विद आर हुक इन हाफ लेंथ आपका केयर रीड होगा। नेक्स्ट कॉल, के विद एल हुक नंबर वन अबो द लाइन, के विद एल हुक कॉल, इक्वल या इक्वली नंबर टू, सेम आउटलाइन टच द लाइन, के विद एल हुक टच द लाइन, ठीक है, ये आपका कॉल था। अब आ गई आपकी आउटलाइन कोल्ड की, ठीक है। सो ये आउटलाइन में डी है, आउटलाइन हाफ लेंथ में होगी बट अबो द लाइन ही रहेगी, ठीक है, के विद एल हुक इन हाफ लेंथ कोल्ड रीड होगा, इक्वल था टच द लाइन, यहाँ इक्वल है
नंबर टू टू पोजीशन है हाफ लेंथ में, के विद एल हुक इन हाफ लेंथ कोल्ड इक्वल रीड होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका कोल्ड भी, कोल्ड ठंड वाला, ठीक है। सो कोल्ड भी आपका टच द लाइन रहेगा, इक्वल्ड हो कोल्ड हो, सो आउटलाइन आपकी टच द लाइन रहेगी हाफ लेंथ में, एंड कोल्ड है तो आपकी आउटलाइन अबो द लाइन रहेगी। नेक्स्ट स्कूल नंबर टू, सर्कल एस अबो सॉरी टच द लाइन, सर्कल एस के विद एल हुक, सर्कल एस लगाते हुए, ये हमने सर्कल एस यूज़ किया है, के विद एल हुक टच द लाइन, ठीक है। सो आपका स्कूल रीड होगा। मैं आपको सर्कल एस में ये करवा चुकी हूँ कि जैसे सर्कल एस लगाते हुए आप एल हुक के साथ या और जो हुक्स हैं हमारे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका ये सर्कल एस पहले रीड होगा, देन के विद एल हुक स्कूल टच द लाइन। नेक्स्ट स्कूल डे, आउटलाइन आपकी हाफ लेंथ रहेगी, सेम रहेगी टच द लाइन हाफ लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ है आपकी, नेक्स्ट आउटलाइन हाफ लेंथ रहेगी। सेम सर्कल लगाते हुए के विद एल हुक इन हाफ लेंथ, ओके। नेक्स्ट कैन नॉट, आउटलाइन शुड बी के विद एन हुक अबोव द लाइन बिकॉज ऑफ वन, और टी की वजह से आउटलाइन आपकी हाफ लेंथ हो जाएगी। सो इट शुड बी के इन हाफ लेंथ, लास्टली एन हुक। सो ये हो गया आपका कैन नॉट, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ आपके 54 हो गए हैं, ठीक है, ग्रामर लॉक्स। इससे आगे मे बी टू क्लासेस और वन क्लासेस आपकी हो जाएगी इससे रिलेटेड, पोजिशन से रिलेटेड, और ग्रामर लॉक्स हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। सो ये ग्रामर लॉक्स वही है जो आप अल्फ़ाबेटिकली कर चुके हैं, अगर आपकी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस है। सो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी आउटलाइंस हैं जो पोजीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में आ रही हैं, उनकी पोजिशन को ध्यान में रखते हुए ये जो कुछ ग्रामर लॉक्स आपके करवाए जा रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। क्लास भले ही लेट हो पर आप अपना पीछे का जितना भी मैं अब तक करवा चुकी हूँ उसको कंटिन्यू रखेंगे। किसी भी क्लास में कोई डाउट आपका रहना नहीं चाहिए, अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबको अच्छे से कवर करते हुए चलिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ आपकी टू क्लासेस हो चुकी है ग्रामर लॉक्स विद पोजिशन की, इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसा मैं आपको हर बार कहती हूँ, एक एक ग्रामर लॉक्स कीजिए, अगर एक आप नहीं कर रहे हैं, आपको ज़्यादा ग्रामर लॉक ज़्यादा की एक साथ प्रैक्टिस करनी है तो 9 ले लिए, 10 लीजिए, 10-10 ग्रामर लॉक्स लिख लीजिए और फिर उसकी आउटलाइन एक रो में बनाते रहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में ग्रामर लॉक्स विद पोजिशन 3 से मिलेंगे, इससे आगे हम ग्रामर लॉक्स करेंगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।